सो हे व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 13,000 रुपए के अंदर मिलने वाले टॉप 5 बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स के बारे में। साथ ही दोस्तों, अभी हाल ही में यहाँ पर कुछ नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया गया है, तो उन्हें भी हमने यहाँ पर ऐड किया है। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में आपको यहाँ पर 64 मेगापिक्सल तक के क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलने वाला है। साथ ही सुपर एमोलेड और 120Hz तक की हायर रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। अभी कंटेंट कंज्यूम करने के लिए लंबी बैटरी बैकअप, साथ ही फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों, गेमिंग के लिए आपको यहां पर एक से बढ़कर के एक गेमिंग चिपसेट देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहां पर एक परफेक्ट स्मार्टफोन चाहते हैं इस बजट के अंदर, तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस के हिसाब से सभी स्मार्टफोन्स को रैंक किया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, सभी स्मार्टफोन्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो अगर आप चाहें तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नंबर 5 की दोस्तों। और नंबर 5 पर आपको मिलने वाला है मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो G31। शुरू करते हैं परफॉर्मेंस से, तो इस फोन के अंदर आपको MediaTek Helio G85 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 12nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। साथ ही आपको यहाँ पर लगभग 210,000 के आसपास के स्कोर देखने को मिल जाते हैं। आप यहां पर समझ सकते हैं कि आपको यहां पर डे टू डे यूजर्स और गेमिंग के लिए डीसेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगी। परफॉर्मेंस में आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही दोस्तों, ये फोन आपको यहां पर 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस वाली एमोलेड पैनल के साथ में देखने को मिल जाता है। हालांकि आपको यहां पर सुपर एमोलेड पैनल देखने को नहीं मिलेगी, जो कि हमें सैमसंग गैलेक्सी F22 के अंदर देखने को मिल जाती है। लेकिन फिर भी आपको यहां पर डिस्प्ले क्वालिटी काफी बढ़िया मिलने वाली है। कंटेंट वॉच करने में आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आएगी। साथ ही गेमिंग के लिए आपको यहां पर नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz तक की टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाती है। तो देखा जाए तो डिस्प्ले के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए कैमरास की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर बैक में 3 कैमरा का सेटअप दिया गया है। 50+8+2 मेगापिक्सल के 3 कैमरा देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मोटोरोला की ट्यूनिंग यहाँ पर नेचुरल होती है, तो आपको यहाँ पर नेचुरल कलर के साथ में आउटपुट देखने को मिलने वाला है। हालांकि आउटपुट जो होगा वो अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, आप यहाँ पर 1080p तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर, तो कैमरा मॉड्यूल से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आखिर में बात कर लेते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के पावर हाउस की, तो 5000mAh की बैटरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसको चार्ज करने के लिए 20W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट देखने को मिल जाएगी। कब आपको यहाँ पर काफी बढ़िया मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको यहाँ पर बैटरी मॉडल भी अच्छा देखने को मिलता है, तो बैटरी मॉडल से कोई शिकायत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा प्लास्टिक बिल्ड पर बना स्मार्टफोन है। साथ ही आपको यहाँ पर डिजाइन भी डिसेंट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको वाटर और डस्ट के प्रोटेक्शन वाला फीचर दिया गया है, जिसका मतलब होता है दोस्तों कि आपका स्मार्टफोन हल्का फुल्का वाटरप्रूफ है। तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इसे नहला सकते हैं, लेकिन याद रहे कि बिना सोप के। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 3.5mm वाला जैक देखने को मिल जाएगा। साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। और ये फोन आपको यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट के साथ में देखने को मिलता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM या फिर 1 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और ये फोन भी आपको यहाँ पर थिंक सिल्ट सिक्योरिटी के साथ में देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब आपका डेटा यहाँ पर भी सिक्योर रहने वाला है। और इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 बेस मोटोरोला का MIUX देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको नीट एंड क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी देखने को मिलने वाला है। एक लाइन में कहा जाए दोस्तों, तो अगर आपको यहाँ पर एमोलेड पैनल, डिसेंट परफॉर्मेंस और साथ ही साथ यहाँ पर क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस फोन के साथ में जा सकते हैं। ये फोन आपको मिल जाएगा 4GB RAM 64GB inbuilt memory के साथ में 12,999 रुपए की प्राइस पर। लेकिन दोस्तों, थोड़े मोड़े बैंक ऑफर्स लगा करके आप इस स्मार्टफोन को लगभग 12 से 12,500 रुपए की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पर आपको मिल जाएगा Redmi की तरफ से आने वाला Redmi Note 10 Lite। हालांकि दोस्तों, ये स्मार्टफोन यहाँ पर Redmi Note 9 Pro का ही एक रीब्रांडेड वर्जन है, लेकिन दोस्तों ओवरऑल स्पेसिफिकेशन और साथ ही आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी बढ़िया देखने को मिलती है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन की। फुल्ली ग्लास बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, तो आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके साथ में आपको यहाँ पर वाटर और डस्ट के स्प्लैश प्रोटेक्शन वाला फीचर भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। तो देखा जाए तो कंटेंट वगैरह वॉच करने के लिए और साथ ही गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलने वाली, तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। साथ ही बात कर ले कैमरा की, तो आपको यहाँ पर बैक में 48 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा।
जहाँ पर दोस्तों आप फ्रंट कैमरा से फुल एचडी की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर और बैक कैमरा से आपको यहाँ पर 4K तक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 30fps पर। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो कैमरा आउटपुट देखने को मिलता है वो भी काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस से आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के पावर हाउस की। तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 5000mAh की डिसेंट बैटरी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी की पोर्ट देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल जो बैटरी मॉड्यूल है वो भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। बात कर ले परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 720G का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 8nm फैब्रिकेशन के साथ में आता है। साथ ही आपको यहाँ पर लगभग 270,000 के आसपास के स्कोर देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपको काफी स्टेबल परफॉर्मेंस मिलने वाली है। साथ ही साथ डे टू डे यूजर्स और गेमिंग वगैरह में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको ट्रिपल कार्ड के स्लॉट भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहां पर एक साथ में 2 SIM और 1 memory card लगा सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है। इसके साथ में ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर Android 10 बेस्ड MIUI 11 पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको इस बजट के अंदर Redmi की तरफ से एक पावरफुल स्मार्टफोन परचेस करना है तब आप इस स्मार्टफोन को देख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपको ये स्मार्टफोन थोड़ा सा पुराना देखने को मिलता है, जो कि Redmi Note 10 का ही एक रीब्रांडेड वर्जन है। तो यहाँ पर आपको अपडेट्स वगैरह की प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी सारे ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप यहां पर Redmi की तरफ से स्मार्टफोन को लेना चाहें तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। 4 और 64 वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 12,999 रुपए की प्राइस पर। लेकिन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा यार कि आप इस स्मार्टफोन को सेल वगैरह मिले, ताकि आपको ये स्मार्टफोन 11,000 से 11,500 रुपए की प्राइस पर मिल जाएगा। तो उस हिसाब से ये स्मार्टफोन आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नंबर 3 की दोस्तों। तो नंबर 3 पर आपको थोड़ा सा महंगा स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, और दोस्तों ये स्मार्टफोन है मोटो का G40 फ्यूजन। बात करें परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 732G का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 8nm फैब्रिकेशन के साथ में आता है। साथ ही आपको लगभग यहाँ पर 300,000 के आसपास के स्कोर देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं दोस्तों कि परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिलने वाली है, दोनों से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। साथ ही काफी स्टेबल प्रोसेसर है, तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह के इश्यूज भी काफी कम देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर HDR 10 सर्टिफाइड 6.8 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन भी दिया गया है। और गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर 120Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz तक की टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले है दोस्तों वो काफी तगड़ी देखने को मिलने वाली है, काफी बढ़िया दी गई है। तो डिस्प्ले के मामले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। इसके अलावा इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर 64MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। साथ ही आपको यहाँ पर सेल्फी के लिए 16MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा, और कैमरा आउटपुट आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है, कैमरा से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ में आप यहां पर फ्रंट कैमरा से अल्ट्रा HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर, और साथ ही बैक कैमरा से भी आप यहां पर अल्ट्रा HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 120fps पर। तो कैमरा मॉड्यूल काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, कैमरा मॉड्यूल से आपको यहां पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। इन सभी के अलावा यहां पर आपको 6000mAh का बैटरा देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 20 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट देखने को मिल जाती है। तो बैटरी मॉड्यूल भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये फोन आपको यहाँ पर 9.7 मिलीमीटर थिकनेस के साथ में देखने को मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर 225 ग्राम का ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब कि ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा बल्की भी देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में आपको यहाँ पर स्मार्टफोन को एक हाथ से इस्तेमाल करने में भी थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली। साथ ही इस फोन के अंदर भी आपको यहाँ पर Motorola की MIUX स्किन के साथ में Android 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो कोई ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ में आपको यहाँ पर 3.5mm वाला जैक देखने को मिल जाएगा, और हाइब्रिड स्लॉट का सपोर्ट आपको यहाँ पर भी दिया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, अगर एक लाइन में कहा जाए तो अगर आपको यहाँ पर एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन लेना है Qualcomm प्रोसेसर के साथ में, तो आप इस फोन के साथ में जरूर से जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 14,499 रुपए की प्राइस पर। लेकिन आप थोड़े मोड़े बैंक ऑफर्स लगा करके इस स्मार्टफोन को 13,800 रुपए की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा सेल में ये स्मार्टफोन अराउंड आपको 13,000 से 13,500 रुपए की प्राइस पर मिल जाता है। तो अगर आप चाहें तो सेल के टाइम पर स्मार्टफोन को भी जरूर से देख सकते हैं। और नंबर 2 पोजीशन की बात करें दोस्तों, तो नंबर 2 पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी नार्जो 34G।
शुरू करते हैं परफॉर्मेंस से, तो इस फोन के अंदर हमें G95 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि 12nm फैब्रिकेशन के साथ में आता है, लेकिन आपको यहाँ पर लगभग 3,10,000 के आसपास के स्कोर देखने को मिल जाते हैं। तो मोटो G40 फ्यूजन से आपको यहाँ पर थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी समझ चुके होंगे कि आपको यहाँ पर डे टू डे यूजेस और गेमिंग में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है, तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। डिस्प्ले की बात कर लें तो इस फोन के अंदर यहाँ पर 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है, जहाँ पर फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन और IPS पैनल का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 580 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, तो आउटडोर में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही गेमिंग के लिए 90Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 180Hz तक की टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगी, तो स्मूथनेस में भी कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली है। चाहे आप यहां पर कंटेंट वगैरह वॉच करें या फिर दोस्तों आप यहां पर गेमिंग करें, डिस्प्ले में आपको यहां पर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। कैमरास की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें 48+2+2 मेगापिक्सल के 3 कैमरा देखने को मिल जाएंगे इस फोन के बैक में। साथ ही हमें यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर आपको डिसेंट देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में आप यहाँ पर फ्रंट कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 120fps तक। साथ ही हमें यहाँ पर बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 30fps, और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हमें यहाँ पर EIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जो वीडियो रिकॉर्डिंग का मॉड्यूल है वो काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मेन कैमरा से आउटपुट भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, तो कैमरा से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के पावर हाउस की, तो इस फोन के अंदर 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, डिसेंट बैकअप देखने को मिलने वाला है, एक दिन का बैकअप काफी आसानी से मिलेगा। साथ ही जिसे तेजी से चार्ज करने के लिए यहाँ पर 30 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब कि ये स्मार्टफोन लगभग यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट देखने को मिल जाएगी, तो ओवरऑल जो बैटरी मॉड्यूल दिया गया वो भी काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है, तो बैटरी मॉड्यूल से भी कोई शिकायत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, जहां पर आपको डिजाइन भी डिसेंट देखने को मिलता है। साथ ही यहां पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, 3.5mm वाला खड्डा देखने को मिल जाएगा, ट्रिपल कार्ड के स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, और हाँ दोस्तों यहां पर भी आपको 4G ही कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें यहां पर एंड्रॉइड 11 बेस रियलमी UI 2.0 पर देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो आपको यहां पर काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। एक लाइन में कहा जाए दोस्तों, तो अगर आपको यहां पर रियलमी की तरफ से बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन लेना है तो डेफिनेटली आप इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं। 4 और 64 वाला वेरियंट आपको मिल जाएगा 13,499 रुपए की प्राइस पर। सेल वगैरह में दोस्तों तो ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए की प्राइस पर भी मिल जाता है, तो अगर आप चाहें तो सेल का वेट करके भी स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर इस लिस्ट के सबसे जबरदस्त स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है इन्फिनिक्स की तरफ से, आने वाला इन्फिनिक्स नोट 11S। शुरू करते हैं परफॉर्मेंस से, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर MediaTek Helio G96 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 12nm फैब्रिकेशन के साथ में आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग 3.5 लाख के आसपास के स्कोर देखने को मिलते हैं, तो परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों में ही आपको सबसे बेटर देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं होंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको UFS 2.2 की स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है, जिसकी मदद से परफॉर्मेंस तो इंक्रीज होगी ही, साथ ही आपको यहाँ पर रीड एंड राइट की स्पीड भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। साथ ही कंटेंट कंज्यूम करने के लिए या फिर गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर बढ़िया और बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 6.95 इंचेस की, जहां पर आपको NEG Dynorex का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गेमिंग के लिए 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट दिया गया है, तो इस प्राइस पर आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी काफी अच्छी मिल जाती है, डिस्प्ले से भी कोई शिकायत नहीं आएगी। जहां तक बात है कैमरास की, तो यहाँ पर आपको बैक में 3 कैमरा देखने को मिलेंगे 50+2+2 मेगापिक्सल के, साथ ही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। देखा जाए तो आपको यहाँ पर एक एवरेज कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, साथ ही आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे बैक कैमरा से 2K तक की 30fps पर, और फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। अब बात करते हैं यहाँ पर पावर हाउस की, तो 5000mAh बैटरी के साथ में स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 33W की फास्ट चार्जिंग और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, तो बैटरी मॉड्यूल काफी अच्छा देखने को मिलता है, बैटरी मॉड्यूल से कोई शिकायत नहीं आएगी। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको गेमिंग के लिए और कंटेंट कंज्यूम करने के लिए ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, तो ऑडियो अच्छी और लाउड मिलने वाली है, तो यहां पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, लेकिन दोस्तों बैक में आपको यहां पर मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, तो बैक लुक आपको यहां पर काफी अच्छा मिलने वाला है। साथ ही साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, और ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाएंगे, और 3.5mm वाला जैक भी देखने को मिल जाएगा।
और हाँ दोस्तों, ये फोन आपको एंड्रॉइड 11 पर देखने को मिलेगा, जहां पर आपको XOS 10 देखने को मिलता है। तो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको काफी हद तक बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है अगर हम कंपेयर करेंगे इनफिनिक्स के पुराने स्मार्टफोन से। तो ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है पहले के मुकाबले में आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पर इस फोन को परचेस करने में इंटरेस्टेड है तो स्मार्टफोन की जो सेल है वो आपको 20 दिसंबर से देखने को मिलेगी फ्लिपकार्ट पर, जो कि आपको मिल जाएगा 6GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 12,999 रुपए की प्राइस पर। और साथ ही इसका जो 8 और 128 वाला वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 14,999 रुपए की प्राइस पर। सो फाइनली दोस्तों, ये थी हमारी तरफ से कुछ टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स की लिस्ट, जो कि आप परचेस कर सकते हैं यहाँ पर 13,000 रुपए की प्राइस पर। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरीज है या फिर कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपकी क्वेरीज का रिप्लाई जरूर करेंगे। साथ ही साथ सभी स्मार्टफोन्स के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।